सी आज हम बताएंगे, उस पर आप कोई नुमाइंदे होंगे आपके, तो सुनने के लिए तैयार हैं तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या। मैं मोटी बात ये कहूंगा कि जहां तक कश्मीर है उसका एक इंच भी हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं। पूरा कश्मीर जो हिस्सा, जो जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसको हम किसी तरीके से अलग नहीं कर सकते। ये झूठी बात है कि हमने, हमारी सरकार ने प्लेबिसाइट प्रॉमिस की थी, वो तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस की थी। जिनको प्लेबिसाइट चाहिए वो जवाहरलाल नेहरू से जाकर बात करें। परंतु तो जहां तक हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, और इसीलिए कश्मीर पूरा हमारा है। उसके लिए हम कितना भी लड़ने के लिए तैयार हैं, ये एक बात साफ हो जानी चाहिए। और खासतौर पर टेररिस्ट के दिमाग में कि इसको कितना भी तुम यहां वायलेंस करोगे, हिंदुस्तान कश्मीर को छोड़ने वाला नहीं है। जो हिस्सा चाइना के साथ है वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो कश्मीर किसका है उसका डिस्प्यूट नहीं है। तो चाइना के साथ हम बातचीत से सुलझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम कह रहे हैं कश्मीर छोड़ दो, वरना जंग करना है तो जंग भी करने के लिए तैयार है। जहां तक दूसरी बातें हैं उसमें हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स का इश्यूज पर हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं खुद पीआईएल बहुत करता हूं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, यहां भी आकर करने के लिए तैयार हूं। हमारी पार्टी के मेंबर्स जो बनेंगे उनका तो हम करेंगे ही, और जो और इसके लिए डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम हमारी भाषण में बताएंगे। मोटी बात यह है, मैं कहने के लिए आया हूं कि किसी के दिमाग में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के बारे बातचीत से कुछ सुलझाया जाएगा, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। यानी मैं जनता पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि यदि हमारी बात चलेगी तो हम पाकिस्तान के साथ इस पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कहेंगे जो बाकी हिस्सा है उसको लौटाओ, वरना तुम्हारी क्या होगी पता नहीं। पाकिस्तान पहले अपने देश को ठीक करें। वहां तो बलूचिस्तान अलग हो रही है, सिंध अलग हो रही है, और तालिबान आ रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहां उनके, उनको देखने बोलो, ये कर नहीं सकते। और जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उससे तो बहुत ज्यादा यहाँ कश्मीर में हुई है, अपना कश्मीर में। तो ये है कि ये बात मानकर चलो, और आपके हक के लिए, आपके डेमोक्रेसी के लिए, आपकी बोलने की आजादी, आपके घूमने की आजादी, आपके नौकरी के लिए पाने के लिए आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, इस सब के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। परंतु आप कश्मीर को अलग करने के लिए कभी नहीं तैयार हो सकेंगे, ये जनता पार्टी का स्टैंड है। सुब्रमण्यम जी, आप बहुत ही मशहूर है, पहले भी एक पास आपका रह चुका है, आप एंटी जो है एंटी मुस्लिम रिमार्क्स के लिए, क्योंकि बहुत ही मतलब जो आर्टिकल्स आपके पढ़े हैं आपकी, एक एंटी मुस्लिम रिमार्क बता दीजिए। आप कश्मीर में आए हैं पीस का पैगाम लेकर कि जंग का, आपने कहा आपने पाकिस्तान से, मैं तो कहता हूँ कश्मीर नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए जंग करना तो वो भी तैयार हो। एंटी मुस्लिम का एक रिमार्क बता दीजिए, ये सब बैठे हुए हैं, ये मुझे बता देंगे।